गोवा में अभी तक जितने भी कैफेज हैं, मोस्टली कैफेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें का सबसे बेस्ट वाइब यहाँ की लगी। गोवा हिप्पी कल्चर इज ऑल अबाउट फ्रीडम, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड ऑल, तो ये पूरा आपको यहाँ पे ये कैफे में महसूस होगा ये सब चीज़ें। ये तब से मेरे साथ वाइब कर रही है, मुझे बोल रही है आओ मेरा लाड करो। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स वंस अगेन। तो आज है गोवा में लास्ट डे नहीं बोल सकते, मतलब है ही नहीं आज हमारा डे। हेलो, गुड मॉर्निंग, शॉन इज डूइंग योगा ओवर देयर, सो द थिंग इज वी आर लीविंग फॉर पुणे नाउ, राइट नाउ। और वहाँ पे हमारी जो कल फ्रेंड बनी थी शॉन, उनका योगा चल रहा है, सो इट्स फाइन, उनका चलने तो डिस्टर्ब नहीं करते। एंड द थिंग इज क्या बोल रहा है, एंड द थिंग इज तो आज बहुत बड़ा रूट होने वाला है। एक तो हमारी पूरी तरह से वाट लग गई थी उस दिन आते टाइम, अभी जाते टाइम क्या होने वाला पता नहीं, लेकिन जाते टाइम हम थोड़ा समझदारी से निकल रहे, दिन के टाइम निकल रहे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देखते लेट्स गो। और अभी फिलहाल मैंने चाय ले ली यहाँ पे, चाय लेने के बाद चाय पीते, वो लोग तो सो ही रहे भाई, हर रोज़ का है उनका, बोले तो मैं 8 बजे उठ के नहा धो के रेडी रहता हूँ और फिर उनको उठाता हूँ, अभी उठाऊँगा, चाय पी के उठाने जाता हूँ, फिर हमारा चलते। तो मेरी चाय भी अभी गर्म हो, बेस्ट है चाय, यहाँ कॉफ़ी ज़्यादा, चाय अच्छी है। और मैंने थोड़ा सा योगा प्राणायाम कर कर आ गया, रिकॉर्ड नहीं किया, कैसे उनको भी फिर थोड़ा अपवर्ड नहीं लगता है ये लोग हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब वो शॉन हमको कल बता रही थी कि आगरा में उनको बहुत बैड एक्सपीरियंस आया, मतलब फॉरेनर एक करके लोग जस्ट टूट पड़ते कि फ़ोटो खींचना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। भाई क्यों इतना है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी लैंग्वेज अलग हुई, वो अलग दिखते हैं, तो इट डजेंट मीन कि जाओ फोटो खींचो कुछ अलग हो गया, हाँ इट्स काइंड ऑफ प्राउड थिंग, नहीं। तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा शूट वगैरह फ़ोटो वगैरह नहीं किया, जस्ट प्राणायाम किया, चाय पी है ना, अभी चलते हैं, निकलते पुणे। तो ये जो मिला था यहाँ उसकी ऊपर वाले फ्लोर की बालकनी है, और यहाँ पे ऊपर नहीं दिखा था, ये रेडी वाला ही दिखा, तो ये ऊपर का नीरव और आकाश का था, और नीचे का मेरा भी योगेश का था। और अभी तो हो गया है, पूरा पैकअप कर रहे हैं, निकलते। मेरा तो पैकअप कब का हो गया, बैग तो इतनी ज़्यादा हैवी हो गई है, मैं क्या ही बताऊँ। अभी फाइनली हम निकल चुके हैं, बाइक पे सब लोड करते, मेरी बैग भी टाई करने का चल रहा है योगेश के बाइक पे, हो पाई तो करते, नहीं तो रहने देते, यहाँ पे फाइनल बिल कर लेते। सो भी हम सब वो पैकअप कर रहे, नीरव उसके ये सब पैकिंग कर, मैं सोचा था मेरी बैग यहाँ लगा दूँ, बट योगेश बोला ये गर्म हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से नीचे से कपड़े इस्त्री हो जाएंगे तो ये सही था। अभी हम सोच रहे इधर ही गोवा में किधर ब्रेकफास्ट करें, फिर आगे जाके कोल्हापुर में तांबड़ा रस्सा पांडा रस्सा खाने का इनकी इच्छा है, मैं तो नहीं खाऊंगा, जो भी रिंगा जैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। और गाड़ियों की तो वाट लग चुकी है, जैसे चमक रहे थे जब हम आ रहे थे उस हिसाब से अभी इतने गंदे हो गए ना, हाँ हवा से अपने आप चमक जाएंगे ना, डस्ट। वो कौन सी आइट थी, ZMR की ना, ऋतिक रोशन की नहीं, वो चिक्कड़ उड़ा था, वैसा सीन होने वाला। तो फाइनली 9:45 बजे हम निकल चुके हैं, और हमारा जो प्रोजेक्टेड स्कोर होता है ना, वैसे हमारा प्रोजेक्टेड वहाँ पे पहुँचने का टाइम होगा कुछ 6-7 बजे सोचा है, बट देखते कितने ब्रेक्स होते हैं। अभी थोड़ा आते टाइम थोड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है हमको, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और चलते जो भी होगा जैसे होगा आपको बताते, तो पहले ब्रेकफास्ट करते, लेट्स गो। और ये लोग भी आ गए पीछे, इनको टाइम लग रहा था बट आ गए। तो कल रह गया था हमारा अंजुना में खाने का, तो आज मिल गया हमको चांस सुबह ब्रेकफास्ट करने का, ये नंबर वन है अंजुना बीच पे। तो वाइब देख सकते हो आपकी एंट्री में कितनी सही, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि एक म्यूजियम भी है, लाइब्रेरी भी है, वो लाइब्रेरी भी दिखा दे आपको, भाई सही है सही है, वाइब तो बहुत कमाल की है। सो ओवरऑल वाइब देख सकते हो आपकी, वहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पार्टी वाला सीन है, तो ब्रेकफास्ट के लिए यही पे पूरा सब सीन। और फिर यहाँ पे अभी भी फुल है, सुबह के 10 बजे भी फुल है, कल हम आए थे 1.5 घंटा वेटिंग थी। यहाँ पे ऐसी शॉप है फॉर शॉपिंग एंड ऑल सेल आइटम्स वगैरह, 30% ऑफ चल रहा है। तो म्यूजियम भी है ना, तो बोला था यहाँ कुछ चलना लाइब्रेरी कौन थी, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी है वो भी दिखा दे आपको, भाई मैं मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
ओके सो ओवरऑल वाइब ऐसी है यहाँ की अर्जुना की। आप देख सकते हो पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, ये क्या पेंटिंग है। इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली ऑलमोस्ट 5000, ये वाली की प्राइस नहीं है, और ऑल 2000-3000 की चीज़ है सब कुछ। आप पूरा देख सकते हो, ये सही लग रहा है मुझे, ये लेने का सोच रहा हूँ। छोड़ो, ये पूरा स्केच आर्ट वर्क है पूरा यहाँ पर, सही यार। और ये लाइब्रेरी है, नॉइस। और ये पूरा प्लेइंग जोन है अर्जुना का। और भाई शाहरुख खान, ओ फ्रिक, शाहरुख खान नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल का। जो पूरे गोवा में अभी तक जितने भी कैफेज गए हैं, मोस्टली कैफेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें का सबसे बेस्ट वाइब यहाँ की लग रही है अभी तक तो, है ना। इन सुबह के 10 बजे भी ऐसी वाइब पब्लिक भी नहीं है, जबकि पब्लिक भी नहीं। और भाई ये वाली पेंटिंग, ये वाली देखा क्या, कौन सी चेकी, हाँ देखा। मीन्स गोवा हिप्पी कल्चर इज ऑल अबाउट फ्रीडम, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड ऑल। तो ये पूरा आपको यहाँ पे ये कैफे में महसूस होगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स भी है कुछ, आपको अगर कुछ बाय करना है तो वो भी कर सकते हो। और ये पूरा उनका कैफे वगैरह, ये जो भी क्या क्या आपको क्या क्या जो भी खाने को चाहिए वो सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो योगेश को कल से बैंगन खाने गए, बैंगन बेकन खाने का है, भरता खाने का, बैंगन का भरता। तो वो देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे रेट आपके यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट, वो तो थोड़े से अपर रेट है, 500-600 को एक डिश है, बट ठीक है ऐसी वाइब के लिए इट्स फाइन। बजट ट्रिप के लिए एकदम सही है। हमारी बजट ट्रिप थी 3000 की, हाँ 3000 का एक टाइम का खाना, एक टाइम का खाना हो रहा है 3000, और दिन में 4 बार खाने हो रहे वैसे। और बजट ट्रिप एक बार के खाने का बजट था रे वो सिर्फ। तो शॉट्स भरना, मेरे भी शॉट्स भर भाई। पानी है वो 350 रुपए का इधर भी। और ये पूरा ऐसा व्यू है, हमने आकाश को पीने का, भाई मेरे को चाहिए एस्प्रेसो, आप भी पी लो। तो योगेश को तो यहाँ भी नहीं मिल रहा बैंगन। ये सपना यहीं पे रह जाएगा। मैं हमस ले रहा हूँ, देखते, क्योंकि वही वेज में वही दिख रहा है, ये देखो ये जो है ना। और बाकी ये लोग तो नॉन वेज वगैरह बोल रहे हैं, लेट्स सी। न्यूजीलैंड वाले आए थे यहीं पे, आए क्या? हाँ। तो हमारे जो रूममेट्स, क्या हम रूममेट्स नहीं बोल सकते, हॉस्टल मेट्स वो भी है ये, हाँ वो तेरा उसका है। तूने भी चाय मंगाया था? हाँ मैंने चाय मंगाया था, दो वाइट फ्लैट वाइट। अबे उसने एक ही चाय लाया, एक और मंगाया था, उसको बोल दे। तो योगेश ने कौन सा मनाया, कौन सा ये मिसल पाव, इसने मंगाया ये भुर्जी पाव, और उसने ऑमलेट मंगाया टूना भुर्जी। भाई ये एक एक चीज़ है ना महंगा है थोड़ा, 600-600 के आसपास है। ये पाव भाजी नहीं, मिसल पाव भी वही है रेट, बस मेरा लेट आ रहा है, अभी तक मेरा आया ही नहीं है। ऐसी चीज है जो बनने को 4 घंटे लगते हैं। हमस आ गया शायद, नहीं ये अपना नहीं आना, ये अपना आदमी नहीं है। सो मेरा हमस आ चुका है, मतलब फॉरेन कुलचे खा रहा है, हाँ छोले कुलचे, मशरूम कुलचे, ये मशरूम का हमस मंगाया था मैंने। और ये पीटा ब्रेड है, और ये काफी सॉफ्ट है, और ये सब उसके चटनी वगैरह है। भाई टूना फिश का लेयर देखो भाई, सबसे ज्यादा हीट होती है, ऐसा नीरव बोल रहा है, उसमें पोक से भी ज्यादा उसमें हीट होती है, प्रोटीन भी रहता भाई, देखो जरूरत है प्रोटीन की। मुझे अभी आकाश ने जस्ट बताया हमस खाते कैसे, उसको ऐसे हाफ करो। अरे दूसरा नहीं, मेरे को वो मूवी याद आ रही, हंगामा, उसके अंदर ऐसे गैप बनाओ और फिर आपका जो फीलिंग है वो फिल कर दो, आपकी फीलिंग्स भी उसमें डालो, और आपके दिल के भी फीलिंग्स भर दो उसमें पूरी तरह से, जो भी है जैसे भी है। थोड़े मशरूम भी डाल दो, अरे टूना का ए टूना 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 पुना नहीं भाई, टूटना बच जाएंगे। तो ऐसे सैंडविच बनाओ, हमारे सैंडविच ही ले देते ना फिर, इतनी मेहनत करने का जरूर। तो कैसे लगा देखो आठ जूना जूना था ब्रेड ऑमलेट को नाम देखिए, हाँ 700 रुपये कर रखने का, 700 रुपये ब्रेड ऑमलेट, 700 रुपये भाई, 6 रुपये के अंडे को देखो किसान 700 रुपये में बेच रहे, मतलब तो वही है बट इधर है ना, सोने के अंडे थे, अच्छा सोने के अंडे थे, अच्छा हाँ वो यहाँ यूज हो रहे, जो हम बचपन में स्टोरी सुनते थे ना
वो यहाँ ये मुर्गी नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट ठीक है यहाँ की जो वाइब एम्बियंस के पैसे ठीक है।